रक्षा सूत्र के रूप में बहन अपने भाई के हाथों में एक रक्षा सूत्र बांधकर भाई से एक प्रतिज्ञा लेती है। ब्राह्मण, साधु, संत और बहन बेटी, ये तीन काल का हरण करती है, इसलिए इन तीनों की महत्व होता है। जब ये राखी जो बनती है ना, ये रक्षा सूत्र जो तुमने बांधा है, जो मोली जो बांधते हैं, कलेवा जो बांधते हैं, ये रक्षा। आप नारियल का गोला दो 50 बार, दो 10-10 20-20 गोले दे दो, 50-50 गोले दे दो, मना नहीं है। हैं, 2-4-8 झोला भर के दे दो, हम वो भी मना नहीं करें। एक बोरा भर के दे दो, उसका मना नहीं। पर श्रीफल की मूलता है, यहाँ नारियल का जो श्रीफल है उसकी मूलता। और कितनी सुंदर बात है, नारियल जो बहन भाई को देती है श्रीफल, हाथ भरा हुआ रखती है, भाई को बहन जब श्रीफल देती है तो भाई वही श्रीफल अपनी बहन को कुछ दक्षिणा अर्थात कुछ रुपया रखकर, कुछ भेंट रखकर, कुछ स्वरूप रखकर, जब बहन इतनी दूर से आई, वही श्रीफल भाई फिर बहन को दे देता है। ये ले, तू दे जा, तू रख ले। पर बहन उस श्रीफल को लेकर नहीं जाती है। बहन क्या कहती है, नहीं नहीं, तुझे रखना पड़ेगा, तू रख। तो दो चीज में से जब श्रीफल भाई भेंट रख कर देता है अपनी बहन को, तो बहन श्रीफल वहीं भाई के घर छोड़ देती है, भेंट का कुछ भाग लेकर चल देती है। ये बहन का प्रभाव। रक्षा सूत्र को लोगों ने बिगाड़ दिया। आज के जमाने में तो रक्षाबंधन का भी महत्व लोग नहीं जानते कि कैसे रक्षा सूत्र बनना चाहिए, कैसे रक्षाबंधन होना चाहिए, उसका भी विशेष महत्व होता है भाई, उसकी भी मूलता होती है। और एक बात कहूंगा आज रक्षाबंधन पर, आपको अच्छी लगे तो आप स्वीकार करना, ना लगे तो आप छोड़ देना। वैसे भी सीओर वाला महाराज ताड़ी तेड़ी बोले ही बोले है, उसमें क्या दिक्कत। तो बोलने में तो कोई पीछे हटूंगा नहीं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, आपको अच्छा लगे अपने जीवन में उतारिएगा, ना लगे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, पर उतारना जरूर। बहन से प्रॉपर्टी के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, बहन का भाई से एक मकान के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, संपदा के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, तो भी निवेदन करूंगा, बहन और भाई तुम खूब लड़ो प्रॉपर्टी और जमीन के लिए, पर रक्षाबंधन के दिन कम से कम एक दूसरे के नहीं भी जाओ तो फोन लगाकर जीजी और बहन, भाई से भाई बहन से एक बार तो बात कर लो, क्योंकि धन अपनी जगह रह जाएगा साहब। वहां धन नहीं जाने वाला, आपका व्यवहार जाने वाला, आपका प्रेम जाने वाला। माना उसने कुछ भी करा हो, अदालत में केस लगा दिया हो, 25 केस चल रहे हो अदालत में, 50 बार तुम्हें पेशी पर जाना पड़ रहा हो, 50 बार झगड़े हो गए, 50 बार तलवार लेकर खड़े हो गए, डंडे लेकर खड़े हो गए, एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए, पर निवेदन है, एक माता के गर्भ से तुम जन्मे हो, कम से कम उस माता के दूध का फर्ज अदा करो, और एक बार कितना भी झगड़ा हुआ हो, इस आस्था चैनल के माध्यम से आज रक्षाबंधन के दिन भले राखी बंधवाओ मत बंधवाओ, पर एक फोन लगाकर तो पूछ लो, जीजी कैसी है, कब आएगी बता, या बहन भाई को कह दे रे कैसा है, भूल गया क्या मुझे, भाई भी कह दे, लड़ाई की बात मत करना आज के दिन, बस प्रेम की बात करना, कि कम से कम बहन का फोन तो आया। मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है कि शायद दिवाली पर जितनी आतिशबाजी नहीं हुई होगी, उतनी आतिशबाजी आपके दिल में होगी, कि जिससे केस चल रहा है वो फोन लगाकर पूछ रहा है, कि भाई ने पूछा बहन से, बहन ने पूछा भाई से, कैसे हो, भाभी से बात कर लो, थोड़ा बच्चों से बात कर लो। माना अदालत में देखा जाएगा, लड़ाई झगड़े सब होंगे, सब कुछ होगा, कौरव और पांडवों की कथा तो देखो रे कितनी सुंदर है। कितनी सुंदर है, पांडवों की बहन सुभद्रा राखी बांधने कौरवों को जाती है, कौरवों की बहन राखी बांधने के लिए पांडवों को जाती है। जरा विचार करिए, क्या युद्ध के मैदान में लड़े नहीं, क्या युद्ध के मैदान में मरे नहीं, युद्ध अपनी जगह पर है, लड़ाई। नारियल जो बहन भाई को देती है श्रीफल, हाथ भरा हुआ रखती है,
भाई को बहन जब श्रीफल देती है तो भाई वही श्रीफल अपनी बहन को कुछ दक्षिणा अर्थात कुछ रुपया रखकर, कुछ भेंट रखकर, कुछ स्वरूप रखकर, जब बहन इतनी दूर से आई वही श्रीफल भाई फिर बहन को दे देता है। ये कम से कम एक दूसरे के नहीं भी जाओ तो फोन लगाकर जीजी और बहन भाई से, भाई बहन से एक बार तो बात कर लो, क्योंकि धन अपनी जगह रह जाएगा साहब, वहां धन नहीं जाने वाला, आपका व्यवहार जाने वाला आपका। आज रक्षाबंधन के दिन भले राखी बंधवाओ मत बंधवाओ, पर एक फोन लगाकर तो पूछ लो जीजी कैसी है, कब आएगी बता, या बहन भाई को कह दे रे कैसा है, भूल गया क्या मुझे। ब्राह्मण साधु संत और बहन बेटी, ये तीन काल का हरण करती है, इसलिए इन तीनों की महत्वता। रक्षा सूत्र के रूप में बहन अपने भाई के हाथों में एक रक्षा सूत्र बांधकर भाई से एक प्रतिज्ञा लेती है कि आप इस भूमि पर जब तक मेरे प्राण हैं तब तक मेरी रक्षा करोगे। कोई बहन अपने भाई के ऊपर कोई बीमारी नहीं देख सकती, कोई रोग नहीं देख सकती, और ना भाई बहन को रोगग्रस्त देखना चाहेगा। रक्षाबंधन के पहले अपनी अपनी ननंद के पास जरूर लगाओ और फोन लगाकर बोलो जीजी कब आएगी तू, सुन साड़ी माड़ी लेकर मत आना, या अलमारी भरी पड़ी है, मेरी साड़ियाँ पहन लेना। क्यों, किस लिए, कारण क्या है, क्यों? माता लक्ष्मी जी ने जाकर राजा बलि की धर्म पत्नी के वस्त्र को क्यों लिया था? लक्ष्मी जी के भाई हैं राजा बलि, क्यों लिया, ऐसा वस्त्र में क्या था? क्यों कहा जाता है जीजी मेरी साड़ी पहन लो, क्यों भाभी कहती है ननंद से लो मेरी साड़ी पहन लो, लो मेरी मेरी साड़ी पहन लो, क्यों कहती है? तीन काल को हरने वाले होते हैं, पहले नंबर पर संत ब्राह्मण साधुजन गुरुजन जब तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तुम्हारा काल हर लेते हैं, दूसरे नंबर पर है गौ माता, गाय को जब हम रोटी देते हैं गौ माता हमारे काल को हर लेती है, तीसरे नंबर पर है बहन बेटी जब हमारे यहाँ आती है और हम कह देते हैं जीजी ये मेरी साड़ी है पहन लो, घर से साड़ी लेकर मत आना, जब हम उसको साड़ी पहनने को दे देते हैं तो एक ननन बहन बेटी ऐसी होती है जो अपने भाई के घर के काल को भी हर लेती है, वो बहन बेटी होती है। पर आप में से कई माताएं ऐसी भी बैठी है जो अपनी एक साड़ी नहीं दे, और अगर ननन पेन लेना तो 25 बार के बता दे जी जी मेरी है, जी जी अच्छे से बैठो साड़ी फट जाएगी मेरी है,